अबे भाई तेरे से कहा कॉमर्स की वीडियो बना दे भाई। में लग रहा है कि नखरे आ गए, वीडियो नहीं बनाता। बहुत सारे भाई तेरे को कमेंट कर दिए, तो कॉमर्स की वीडियो क्यों नहीं बनाता है भाई? अगर कॉमर्स की वीडियो नहीं बनानी तो वैसे बता दे, हम लोग किसी और से कह दे, तेरे नखरे बहुत हो गए बाकी, क्योंकि तू वीडियो बना रहा है, तू हमारी नहीं वीडियो बनाता कॉमर्स वालों के लिए। ये क्वेश्चन भाई मैंने बहुत सुना है, तो इसलिए आज वीडियो कॉमर्स वालों के लिए। लेकिन भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, लाइट वाला काम है थोड़ा खराब, ठीक है? अभी छोटे से यूट्यूबर हैं तो लाइट का अरेंजमेंट नहीं है, तो सनलाइट में वैसे वीडियो शूट करते हैं, लेकिन आज सनलाइट तो है नहीं, रात के टाइम सनलाइट नहीं होती ना, तो मूनलाइट होती है। मूनलाइट इतनी अच्छी होती नहीं जिससे है कि हमारी वीडियो में रोशनी आ पाए। तो रोशनी का मसला ये है कि अब काम चला लो। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जो मैंने कल बाल बुल कटवाए थे तो उसकी वीडियो हो गई है डिलीट। डिलीट का मसला ये कि एडिट भी थी, सब कुछ थी। सुबह मैं जब अपनी मेमोरी फ्री कर रहा था फ़ोन की, तो जी सेलेक्ट ऑल करके आपके भाई ने उड़ा दिया, तो उसके लिए खेद आपसे ज़्यादा मेरे को, क्योंकि मैंने एडिट की थी, शूट की थी भाई, 16-17 मिनट की वीडियो थी, तो बड़ा दुख लगता है जी। कोई बड़ी मेहनत से भी एडिट भी मेहनत ही होती है, तो शूट भी मेहनत ही होती है, चली गई तो भाई चली गई, अब क्या करें। कॉमर्स वाले भाई लोगों की सुनते हैं। आ गए जी आपके लिए भाई लोग, वीडियो लेके आए हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा है, और फीस कितनी है, और कौन से कितने साल का कोर्स है। देखो भाई काम चला लो, बस लाइट वाला मत कहना कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, कहना मत। वो जैसे होता ना मिंटोस वाला, दोबारा मत पूछना। मिंटोस की थी ना पहले ऐड आती इंडिया में, इंडिया में से मैं भी आया हूँ वैसे, तो मिंटोस की ऐड आती थी पहले, जब हम लोग छोटे से थे ना, तो जब क्रिकेट मैच वगैरह चलता था तो मिंटोस की ऐड आती थी, तो पानी में डुबाता था 2-3 बार, दोबारा मत पूछना वाला। तो भाई वीडियो क्वालिटी का दोबारा मत कहना, तो इसलिए काम चला लो। तो पहला जो कोर्स है वो है बिजनेस मैनेजमेंट का। कॉमर्स वालों की बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुन ले कॉमर्स वाले, आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट आए। आप लोग बड़ा भाई गलत भी बोले हो, कोई चक्कर नहीं, बोले हो कोई बात नहीं भाई, भाई लोग अपने तो कोई दिक्कत नहीं, बनता है, ये आपका हक है। आपने सब्सक्राइब किया है चैनल तो इतना तो हक बनता है, आप कह सकते हो भाई इस टॉपिक पे बनाओ, अगर नहीं बना रहा बनता तो आप फोर्स तो कर ही सकते हो। चलो बाकी भाई टाइम नहीं था, टाइम निकाला है, बना रहे हैं वीडियो। पहला कोर्स मैंने बताया जी बिजनेस मैनेजमेंट का, ये है जी मैक्वायरी यूनिवर्सिटी में। ये पोर्ट मैक्वायरी सिटी में नहीं है, ये मैक्वायरी यूनिवर्सिटी है खाली, है सिडनी में। एक साल का कोर्स है और इसकी एक साल की फीस है जी $29,800। तो जो भी आगे फीस आएगी ना वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आएगी, तो दोबारा मत पूछना ये कौन से डॉलर में। फाइनेंस वाला कोर्स, इसकी भी ड्यूरेशन एक साल की है, सेम फीस है, सेम यूनिवर्सिटी है, सेम कैंपस है। अगला कोर्स, पीछे ना हिंदी गाने चल रहे हैं तो शायद इसके चक्कर में ना कॉपीराइट आ जाए अपनी वीडियो पे, क्योंकि इंडिया वाले जो है ना गानों वाले, ये सब मार देते कॉपीराइट। गरीब यूट्यूबरों का सोच लो भाई, ये इन लोग नहीं सोचते थे, ये मतलब जिसके भाई 100 सब्सक्राइबर भी होंगे ना उसको भी कॉपीराइट ठोक देते हैं ये, तो इसलिए इनकी वीडियो काट दूंगा मैं, अगर होगी ना बीच में तो जहाँ जहाँ भी होगी मैं वीडियो काटूंगा, जहाँ पर मेरे गाना चला होगा ये इनका ना पीछे, क्योंकि वो भाई लोगों ने चला रखा है नीचे, तो अपन लोग काट देंगे वो। अगला कोर्स है जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल लॉ, तो ये भी एक साल का कोर्स है, और ये यूनिवर्सिटी जो है ये है जी द वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसकी एक साल की फीस है जी $32,200 और एक साल का कोर्स है ये। अगला कोर्स है जी मार्केटिंग का, जी स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, और ये मैक्वायरी यूनिवर्सिटी में, ये भी सिडनी में है जी। इसकी फीस 29,800 है, मेरे हिसाब से जितनी मैक्वायरी यूनिवर्सिटी में जो भी है ना, मतलब कोर्स वगैरह, वो सब $29,800 की फीस के और एक साल का कोर्स है इनका। अगला सब्जेक्ट है जी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन कॉमर्स, और ये द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये पर्थ में है यूनिवर्सिटी। इसकी एक साल की फीस है जी, एक साल की नहीं मतलब पूरे कोर्स की आपको बताऊंगा, $15,752, और ये 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने का कोर्स करने क्या हो गए मेरे को नहीं समझ आ रहा। और अगला जो कोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये मैक्वायरी यूनिवर्सिटी में है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि मैक्वायरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा कोर्स है आपके कॉमर्स वाले, तो आप वहां ट्राई कर लें, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। कि भी भाई सेम फीस $29,800 एक साल की, एक साल का कोर्स। मेरे को लग रहा है मैक्वायरी यूनिवर्सिटी वाले लगता है कि एक साल पढ़ा के थक जाते हैं, तो एक साल के रखा उन्होंने, इससे ज्यादा वो पढ़ा नहीं सकते। अगली यूनिवर्सिटी है जी RMIT यूनिवर्सिटी, इसमें कोर्स है कॉमर्स, सीधा कॉमर्स ही है कोर्स। ये कोर्स है 2 साल का, एक साल की फीस है $30,700, एक साल की फीस है और कोर्स है 2 साल का। अगला कोर्स है जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का, और ये 2 साल का कोर्स है और इसकी एक साल की फीस है $33,280। अगला कोर्स है जी इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स लॉ का,
ये मकवारी यूनिवर्सिटी में की फीस थोड़ी सी कम है, ये $26,240 एक साल की, और एक साल का ही कोर्स। और जो अगला कोर्स है वो कॉमर्स है, जैसे वो दूसरी यूनिवर्सिटी में बताया था ना, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड, ये 4 साल का कोर्स है, इसकी कोई फीस नहीं दी हुई। अगला कोर्स है जी कॉमर्स एडवांस्ड, ये कोर्स है जी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में, ये कैनबरा में, ये 2 साल का कोर्स है और इसकी एक साल की फीस है $29,280। और जो अगला कोर्स है वो है कम्युनिकेशन आउटरीच, ये भी सेम यूनिवर्सिटी में जो मैंने पहले बताई है, और इसकी एक साल की फीस है $24,816 और ये एक साल का ही कोर्स है। एक कोर्स है जी कॉमर्स पब्लिक अकाउंटिंग, तो ये भी एक साल का ही कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड में, इसकी फीस है $27,336, तो ये एक साल की फीस है और ये एक साल का कोर्स है। अगला कोर्स है जी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 1.5 साल का कोर्स है, इसकी कोई फीस नहीं देगी यूनिवर्सिटी, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स। जो कोर्स है वो कॉमर्स, ये 16 सब्जेक्ट स्लैश लगा के होता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में ही है, 2 साल का कोर्स है, इसकी एक सेमेस्टर की फीस है जी $3,250, ये काफी सस्ती है, शायद ट्राई कर ले आप 16 सब्जेक्ट का ये। अगला कोर्स है जी इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ, और ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ब्रिस्बेन वाली में, और ये 1.5 साल का कोर्स, और इसकी एक साल की फीस $37,040। अगला कोर्स है जी कैथोलिक लीडरशिप, और इसकी मतलब पूरे कोर्स की फीस है $11,500 और ये 6 महीने का कोर्स है। अगला कोर्स है जी इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में, इसकी एक साल की फीस है $29,500 और ये खाली 1.5 साल का कोर्स है आपका। अगला जो कोर्स है वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स, और ये RMIT यूनिवर्सिटी में, 2 साल का कोर्स है और इसकी एक साल की फीस है $23,040। तो ये थे जी कुछ सब्जेक्ट वगैरह, कोर्स वगैरह जो भी थे और यूनिवर्सिटीज, बाकी आप जाके चेक कर सकते हैं गूगल पे भी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कहाँ कहाँ पे जाके हम लोगों को मिल सकती है यूनिवर्सिटी, और कैंपस वगैरह कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बाकी ये सब्जेक्ट जहाँ जहाँ मेरे को मिले तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, और क्या क्या फीस है और कितने कितने टाइम का है। फ्लुएंसी देख रहे हो अपने भाई की, वो फ्लुएंसी तो बढ़िया है, लेकिन ये है कि लाइट नहीं बढ़िया है, तो काम चला लेना भाई लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वीडियो आज इसलिए नहीं आई, मैंने आपको बता दिया उसका रीज़न, ठीक है, बाय। बंद कर लो सालो, मेरे कॉपीराइट है नहीं वीडियो पे।